राजस्थान में मॉनसून एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। रविवार को जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और सीकर सहित कुल 22 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। इस बारिश ने गर्मी से राहत दी है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मौसम ठंडा रहा। आने वाले दिनों के मौसम की बात करें तो बता दें कि मौसम विभाग ने 5 दिनों में 29 जिलों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें मेघगर्जन भी शामिल था। सिरोही में 71 mm और पाली में 78 mm बारिश दर्ज की गई। इस बारिश से मौसम तो तरोताजा हुआ ही, साथ ही जल स्रोतों में फिर से पानी भर गया, जिससे सूखे की परेशानी दूर हुई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम का असर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में दिखेगा, जिसमें खासकर कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्से शामिल हैं। यहां अगले 48 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा अगले 4 से 5 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अच्छी और तेज बारिश हो सकती है। ये बारिश किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मौसम विभाग ने सोमवार को अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, झुंझुनू, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधेपुर, सीकर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बाड़मेर, चूरू, जालौर, जोधपुर, नागौर और पाली में येलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत इन जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है, जिससे जलभराव और बाढ़ की समस्याओं को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से लगे बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम की वजह से मॉनसून का असर उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के चलते राज्य में मॉनसून की स्थिति में जल्द ही बदलाव आ सकता है। इस सिस्टम की वजह से बढ़ती नमी और हवा से मॉनसून एक्टिव रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। हालिया बारिश से प्रदेश के जलाशयों और नदियों में पानी की मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। खासतौर पर सिरोही और पाली के क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जलाशयों में पानी का स्तर बढ़ा है। इससे इन क्षेत्रों के किसानों को राहत मिली, जो कि सूखे की मार झेल रहे थे। लोकलिटीन के लिए जयपुर से काजल मनोहर की रिपोर्ट।